नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, राहुल के दौरे की तैयारी पर किया मंथन। बिजली के लिए केंद्र से मांगे 107 करोड़ रुपए, केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद भी हुए बैठक में शामिल। अंडर पास के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री से मिले कोहला के ग्रामीण, मंत्री ने दिया आश्वासन। बाल वाहन चालक ने टेम्पो चालक पर किया हमला, साइड नहीं मिलने से खफा था बस चालक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का गुरुवार को हनुमानगढ़ दौरा फाइनल हो चुका है। वे किसानों की पदयात्रा में शामिल होंगे। राहुल के दौरे को देखते हुए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हनुमानगढ़ में डेरा डाल चुके हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट मंगलवार दोपहर हनुमानगढ़ पहुंचे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बुधवार सुबह पहुंचेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल भी राहुल के दौरे से संबंधित राजनीतिक गणित को समझने के लिए हनुमानगढ़ आए, साथ ही किसानों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। उन्होंने राहुल के दौरे से संबंधित खबरों का फीडबैक भी लिया। बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे राहुल गांधी के दौरे से पूर्व राजनीतिक हलचल को लेकर खबरें। दूसरी तरफ कलेक्टर राम निवास द्वारा केंद्रीय विद्यालय के निरीक्षण सहित दिखाएंगे पीएचईडी के कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर खबरें। इसके अलावा भी कुछ खास खबरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी गुरुवार को हनुमानगढ़ दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन से पूर्व कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी शाम को पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल के दौरे की तैयारी की समीक्षा की। आइए आपको सीधे ले चलते हैं सर्किट हाउस, जहां पर सचिन पायलट ने पत्रकारों को संबोधित किया। सत्र चालू होगा और ये दौरा और ये राजस्थान आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में हुआ वो सबके सामने है। साथ ही साथ दो दिन राजस्थान में रहकर राहुल गांधी जी पहले दिन 16 तारीख है सुबह 9 बजे सूरतगढ़ आएंगे, एयरपोर्ट स्टेशन पर वहाँ लैंड करेंगे, वहाँ उनका भव्य स्वागत होगा और स्वागत होने के बाद वो जाएंगे हनुमानगढ़ और वहाँ पर पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांवों का दौरा है और ये पदयात्रा होगी। पैदल चलेंगे गांव वालों के साथ, राहुल जी संवाद भी होगा, जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिले के, तहसील के, प्रदेश के, उन पर संवाद चर्चा होगी। और मैं समझता हूं कि 1.5 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा उसको चलते आज जनता में निराशा का माहौल है, विशेष रूप से नौजवानों में, किसानों में, और इन सब समस्याओं को सुनने के बाद वो कांग्रेसजनों का भी उत्साह वर्जन करेंगे कि आने वाले नगर पालिका चुनाव अगस्त में है, उसमें किस प्रकार से हम लोग इस चुनौती का सामना करते हुए सफल होंगे। हनुमानगढ़ से राहुल जी का कार्यक्रम जयपुर जाने का है और जयपुर में पूरे प्रदेश भर के जितने भी हमारे प्रधान, प्रमुख प्रधान, पंचायती राज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी के प्रमुख नेता गण हैं वो सब, उन सबका एक सामूहिक सम्मेलन है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, वहाँ पर उद्बोधन देंगे राहुल गांधी जी। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ खाना होगा और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में वो अम्बेडकर साहब की 125वीं जयंती चल रही है उसकी जो वर्षगांठ हम लोग बना रहे हैं पूरे साल भर का कार्यक्रम में, उसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे PCC मुख्यालय से जयपुर में। और इन दो दिन में मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार न सिर्फ संसद में लेकिन संसद के बाहर अनेक इलाकों में देश के वो गए हैं, लोगों से जुड़े हैं, आज राजस्थान की जनता कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की नज़र से देखती है। जनता को लगता है कि कांग्रेस ही उन लोगों की इस कठिन समय में साथ खड़े रहने इस जिले में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, हम सब ने सभाएँ ली हैं, रामचंद्र मोदी जी ने, मैंने गंगानगर में थे,
गांव का दौरा भी करके आए हैं, आज कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे हनुमानगढ़ में, और बहुत लोग उत्सुक हैं राहुल गांधी जी को अपने बीच पाने के लिए और बड़ी प्रतीक्षा में लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। किए थे पूरे नहीं करे हैं और सेम वाला क्षेत्र अब बढ़ता चला जा रहा है। पहले बड़ा एक सीमित क्षेत्र था, अभी लगभग 2 जिलों को प्रभावित कर रहा है। मुझे कोई बता रहा था कि 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो किसानी नहीं करके और उनको काम करने पड़ रहे हैं। तो किसान पर जब मुश्किल जाती है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उनका खड़े रहेंगे, मुलाकात भी होगी, सबसे संवाद भी होगा और समस्या का समाधान डालने के लिए प्रदेश सरकार सारे किसानों से मुलाकात होगी, जनता से मिलने के लिए आ रहे हैं और किसी से ना मिलने का सवाल ही नहीं होता। जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा लोगों से उनकी मुलाकात। नीतीश कुमार जी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने मात खाई थी, बिहार में ठीक परिणाम वैसे आने वाले हैं। और बिहार में परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है, वहाँ पर भी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो बीजेपी का जो उल्टी गिनती है वो चालू हो चुकी है और राहुल गांधी जी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। वो तेलंगाना गए थे, महाराष्ट्र गए थे, पंजाब भी गए थे और राजस्थान भी उनका आने का कार्यक्रम बना है। केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल भी कुछ देर के लिए हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी के दौरे के परिप्रेक्ष्य में कुछ गुप्त मंत्रणाएं भी की और एक सरकारी बैठक में शामिल होने के बाद रवाना हुए। खास बात है कि बतौर मंत्री बैठक में शामिल निहाल चंद ने अपनी ही सरकार से बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 160 करोड़ रूपए की मांग की है। श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का पदार्पण भाजपा नेताओं के लिए भी मायने रखता है। यही वजह है कि राहुल के आने से पूर्व क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने सरकारी बैठक में भाग लिया और सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर राहुल गांधी के आगमन को लेकर फीडबैक लिया। माना जा रहा है कि यह सब भाजपा की अंदरूनी रणनीति का एक हिस्सा था। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की समीक्षात्मक बैठक में भी भाग लिया और अधिकारियों को बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इसके तहत केंद्र सरकार को 160 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में आज हमने 160 करोड़ रुपए की एक स्कीम बना के केंद्र सरकार को भेजी है। 160 करोड़ रुपए स्वीकृत होने पे गांव के हर ढाणी तक बिजली पहुंचेगी, हर घर तक, हर खेत तक बिजली पहुंचाने का हम काम करेंगे। हनुमानगढ़ जिले का ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें विद्युत नहीं हो। 160 करोड़ रुपए जब सैंक्शन होंगे तो हर हनुमानगढ़ के हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। कोहला के पास अंडरपास बनवाने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद को ज्ञापन दिया और समस्या की गंभीरता से अवगत करवाया। ग्रामीणों के मुताबिक मंत्री ने शीघ्र ही इस समस्या के निस्तारण का भरोसा दिलाया है। हनुमानगढ़ से सादुल शहर रेलवे लाइन पर मीरा कॉलोनी के पास अंडरपास बनवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। गांव कोहला और आसपास के ग्रामीणों ने इस मसले पर मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। श्री भगवान गोदारा और जगजीत सिंह आदि के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि चक 14 एचएमएच के पास सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों ने 1.88 हेक्टेयर भूमि का अनुदान दिया है। यह रास्ता नहर के पास है जिसका पुल जन सहयोग से अपेक्षित है। यहीं पर अंडरपास की भी जरूरत है। इससे कोहला, नौरंगदेसर, मटोरिया वाली ढाणी, मुंडा, मेहरवाला, किशनपुरा दिखनादा, 22 NDR, चोहला वाली, जोरावरपुरा, लखू वाली तथा हनुमानगढ़ टाउन के लोगों को फायदा होगा। चल रही थी अंडरपास के लिए, आज कलेक्टर साहब और मंत्री साहब से मिले, केंद्रीय मंत्री माननीय निहाल चंद जी से, उनसे पहले भी कई बार मिल चुके थे लेकिन आज उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इसका बजट पास पारित करवा के और इसका काम पूर्ण में स्टार्ट किया जाएगा। और उन्होंने आज हनुमानगढ़ में पधारने पर सभी जो नज़दीक के क्षेत्र के वासी थे उन्होंने मिलकर ज्ञापन दिया, आज उन्होंने आश्वासन दिया पूर्ण रूप से, जिसमें कि कोल्ला ग्राम पंचायत के सरपंच, माननीय डायरेक्टर साहब और साथ में गांव के जितने भी गणमान्य लोग थे, पार्षद थे, वो सभी इसमें शामिल हुए। मुख्य मांग जो अंडरपास की काफ़ी समय से चल रही है और डॉक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया, निहाल चंद जी ने भी पहले हम इनका प्रोग्राम था उसमें शामिल है तो उन्होंने आश्वासन दिया, अगर ये अंडरपास नहीं बनता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो किसानों को आ रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट बनने से
सीधा नई धान मंडी में प्रवेश करेगा, जिससे हजारों किसानों को डीजल की, समय की और दुर्घटनाओं की बहुत सी बचत होगी। और नई बनने से शहर के जो है वो दो भाग बन जाएंगे, इसलिए स्कूली बच्चे, ग्रामीण, शाम को बुजुर्ग माताएं बहनें जो उस ब्रिज को पार नहीं कर सकती, उसके ऊपर से चढ़ नहीं सकती है, इससे निजात मिलेगी और शहर का बड़ा भारी विकास होगा। और अब एक बड़ा सवाल, दरअसल स्कूल का स्टाफ कैसा होना चाहिए? मंगलवार को एक वारदात के बाद यह सवाल मायने रखता है, वो इसलिए भी क्योंकि बाल वाहिनी में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसके चालक का व्यवहार का आकलन जरूरी होता है। जंक्शन क्षेत्र में हुए एक हादसे की खबर देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि यह सवाल कितना वाजिब है। यह दृश्य है रोडवेज डिपो के सामने हनुमानगढ़ जंक्शन का। एक युवक के चेहरे से खून बह रहा है और वह लहलुहान हालत में एक दूसरे का मुंह ताक रहा है, जैसे अनजान की भीड़ में उसे किसी अपने की तलाश हो, वो अपना जो तत्काल उसे सहानुभूति के दो शब्द कह सके। दरअसल लहलुहान युवक है राधा किशन, जो मक्कासर गांव का रहने वाला है। वह टेम्पो चालक है, रूटीन की तरह सड़क पर जा रहा था। डिपो के पास अचानक यातायात पुलिसकर्मी ने उसे आवाज लगा दी, वह वहीं पर ठिठक गया। जब बात सुनकर वह पुनः टेम्पो पर बैठा तो पीछे खड़ी थी एक निजी स्कूल की बाल वाहिनी। टेम्पो चालक के मुताबिक बाल वाहिनी के चालक ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए उसे टेम्पो हटाने को कहा। जब उसने विरोध किया तो बाल वाहिनी चालक ने टेम्पो चालक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, लिहाजा टेम्पो चालक ने अब मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। मैं ऑटो लेके खड़ा था, मेरे को ट्रैफिक वाले ने आवाज मारी, फिर मैं वहां गया उतर के। जैसे ही मैं वापस आया तो बस वाले ने मां बहन की गाल काटी मुझे, इतने में झगड़ा हो गया। उसने वहां ऊपर बैठे बैठे राड मार दी सिर में। किस बात के लेकर झगड़ा? उसने उसने कहा पेट में कर गाल काटी। ये बात से झगड़ा होने के बाद में वहां आपके चोट राड मार दी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, एमएससी बोटनी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमकॉम एबीएसटी, एमए जियोग्राफी, एमए सोशियोलॉजी, एमए पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉरपोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है, जिसमें एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा एमए ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही है। दुर्गा देवी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित संस्था राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, जहां पर बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए की शिक्षा दी जाती है। महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विशाल बिल्डिंग वाली शिक्षण संस्थान है। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, आधुनिक विज्ञान से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, अनुभवी एवं उच्च योग्यताधारी विख्याता, शांत एवं प्रदूषण मुक्त खुला वातावरण, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, खेल गतिविधियों हेतु 110,000 वर्ग फीट का विशाल स्टेडियम, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम की अलग अलग कक्षाएं संचालित करने वाला जिले का प्रथम महाविद्यालय,
प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जिले का प्रथम महाविद्यालय है, जहां हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम छात्र छात्राओं के लिए अलग से कक्षाएं चल रही है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में विद्यार्थी संख्या में वृद्धि हो रही है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में दो नए कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, एमए अर्थशास्त्र एवं एमए पंजाबी। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। माता किताब कोर ITI NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हनुमानगढ़ जिले की पहली QCIE एफिलिएटेड संस्था, जहां इलेक्ट्रीशियन और फिटर से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला कैंपस, हर तरह के इक्विपमेंट व मशीनरी से सुसज्जित लैब, हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। हमारी संस्था 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुनिश्चित रोजगार, छात्रों के आने जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक वाईफाई व CCTV कैमरास से युक्त क्लासरूम, बीकानेर संभाग की एकमात्र ITI। यहाँ CNC मशीन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में जॉब से पहले इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, नवीन उपयोगी तकनीक से प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। माता किताब कोर ITI कैंपस 14 SSW कोहला टोल नाके के पास मेगा हाईवे हनुमान DG वर्ल्ड के शोरूम पर चले आएं। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। पिछले 51 वर्षों से बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन व बंसल इलेक्ट्रो पावर आपको इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों में पूरी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस, मार्जिन ऑफ मनी कम, उत्पादनों की गुणवत्ता हमारा उद्देश्य रहेगा और आप हमें सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, हनुमानगढ़ टाउन। जिला कलेक्टर रामनिवास ने मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रार्थना के वक्त ही बच्चों, अभिभावकों और स्टाफ से खुला संवाद किया। बाद में उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता जताई। केंद्रीय विद्यालय परिसर में मंगलवार की प्रार्थना सभा जैसे यादगार बन गई। यादगार इसलिए कि कलेक्टर रामनिवास भी प्रार्थना सभा में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के साथ सीधा संवाद किया। इसके बाद कलेक्टर ने स्कूल भवन का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कलेक्टर ने कहा कि चूंकि स्कूल का पहला सत्र है और अभी सब कुछ नया है, इसलिए भौतिक सुविधाओं की कमी है, लेकिन स्कूल भवन निर्माण के लिए बजट आ चुका है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं प्राचार्य ने स्कूल के सामने आ रही दुविधाओं से कलेक्टर को अवगत करवाया। केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ हुआ है, आज बच्चों से उनके परेड में मैंने बातचीत की है, बच्चों से भी की है, पेरेंट्स से भी की है, टीचर से बात की है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी भी डेवलपमेंट की जरूरत है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय के अलग से बजट आ चुका है, वो शीघ्र ही नए भवन का कार्य प्रारंभ होगा, कार्य दिए जा चुके हैं। यहाँ के बच्चों को अच्छा माहौल मिले इसके लिए यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनको मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि ठीक से इसमें क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, ऐसा एक शैक्षणिक माहौल तैयार करें। समस्याएं कलेक्टर साहब ने देखा, हमने जो प्रोग्रेस केंद्रीय विद्यालय में हुआ है उससे उनको अवगत करवाया, और एक चूँकि बारिश में पानी इसमें ये मैदान भर जाता है, इसलिए एक ये खड़वंजा सड़क दीवार के पास में बनाने के लिए एक सर से निवेदन किया, और एक वो जो दीवार टूटी हुई है जहाँ से पशु भी आ जाते हैं, भेड़ बकरी आ जाती है, मैदान में अच्छा नहीं लगता, तो सर ने कहा है कि नगर परिषद को मैं बोलूँगा और आप एक लेटर लिख दीजिए और ये काम जल्दी करवा देंगे। हमने ये दो ही रिक्वेस्ट उनके सामने रखा और हमारे चेयरमैन साहब का फुल सपोर्ट स्कूल को है और उनके डायरेक्शंस बच्चों के भले के लिए हमेशा मिलती रहती है। और सर ने स्ट्रेस दिया कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी एक्टिविटीज़ अच्छी हो रही है, लेकिन थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर आप ध्यान दें। एक तरफ
सरकार घरों में शौचालय बनवाने की बात कहती है तो दूसरी तरफ सरकारी दफ्तर इस सुविधा से वंचित हैं। वाकई अजीब तरह का विरोधाभास है यह। पीएचडी दफ्तर में शौचालय की सुविधा न होने से कर्मचारी इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने मंगलवार को कार्यालय के सामने प्रदर्शन तक किया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वरिष्ठ प्रशासन जिंदाबाद, वरिष्ठ प्रशासन जिंदाबाद, वरिष्ठ प्रशासन जिंदाबाद, सुविधाओं का विस्तार करो, सुविधाओं का विस्तार करो, सुविधाओं का विस्तार करो। ये कर्मचारी हैं पीएचडी के। कर्मचारी नेता अशोक भोबिया, साधुराम और ओम प्रकाश पारीक आदि अपने दफ्तर में कर्मचारियों और आम जन के लिए शौचालय की सुविधा न होने की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां पर रोजाना सैकड़ों नागरिकों का आना जाना हो वहां पर जन सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, लेकिन उच्चाधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते। कर्मचारियों के मुताबिक अधिकारियों के चैम्बर अटैच हैं, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कर्मचारियों को जरूरत पड़ती है तो उन्हें घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पीएचडी कैंपस के अंदर पिछले दो वर्षों से ये जो सार्वजनिक लेटरिन जो बाथरूम जो बना हुआ था वो बड़ा क्षतिग्रस्त था, उसको पुनर्निर्माण हेतु हमने अधिकारियों से निवेदन किया तो अधिकारियों ने पुनर्निर्माण की इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की, लेकिन ठेकेदार बीच में काम छोड़कर भाग गया। और पिछले दो वर्षों से यह अभी आपने स्थिति देखी है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। यहाँ पे पानी के बिल भरे जाते हैं, लास्ट डेट के अंदर जनता की भारी भीड़ होती है और उस भीड़ में आए हुए कर्मचारी को अगर जनता को अगर यूरिन या लेटरिन की अगर करने की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और ऐसे ही अधिकारियों के तो चैम्बरों के अंदर उनका लेटरिन बाथरूम सेपरेट बना हुआ है, लेकिन आम कर्मचारी जो यहाँ पर कार्यरत हैं उनके लिए सामूहिक जो ये लेटरिन बाथरूम बना हुआ था वो क्षतिग्रस्त और बदबूदार होने की वजह से आम कर्मचारी भारी परेशानी का सामना कर रहा है। और अगर किसी कर्मचारी को अचानक मान लो किसी प्रकार की पेट में गड़बड़ हो जाए तो उसको मजबूरन अपने घर जाना पड़ता है, यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हमने अधिकारियों को कई बार मौखिक तौर पे और लिखित तौर पे भी इनको दे दिया गया, लेकिन अधिकारी वर्ग इसकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं ना, ये कई सालों से ही खराब पड़े हैं, दुरुस्त, बिल्कुल बदबूदार, और इसके अंदर जब कोई लेटरिन भी जाता है तो पानी डालने के लिए जगह नहीं है, अगर इसके अंदर कोई बढ़ जाए तो बीमार होकर निकल जाएगा है। और दूसरी बात यह है कि जब इसको ठीक नहीं करवाना था तो ये पैसे क्यों लगाए, क्यों बर्दाश्त किए, खराब किए हैं पैसे यहाँ, अगर पैसे लगाने ही थे तो इसका सदुपयोग क्यों नहीं किया, दुरुपयोग क्यों किया, टंकी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, टूटी लगा दी, क्या फ़ायदा हुआ इसका, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए हम ये कहते हैं बारी बारी अधिकारी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि पूर्ण तैयार कराओ इसको, अगर तैयार नहीं कराओगे तो हम क्या है, अगर सब इकट्ठे हो गए अधिकारी वाले लेटरिन में जाएंगे हमेशा ही, और फिर वो कहेंगे यहाँ क्यों आते हो आप, और जब भी लूज मूज कुछ भी हो जाता है तो हम घर भाग के जाते हैं। अभी तकलीफ होगी थी, भाग के घर गए, क्या फ़ायदा, यहाँ अधिकारियों के बताएं तो वो कह देते हैं कि यहाँ क्यों आते हो आप, समस्या हो जाती है। इसलिए हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि तुरंत इसको ठीक करवाया जाए। अधिकारियों को मौखिक रूप से बार बार बोल दिया है, यहाँ नए बने हुए थे उन्होंने तोड़ के ये पुनर्निर्माण कराया, पुनर्निर्माण भी अधूरा है, और मैं अगर इन्होंने ये पुनर्निर्माण सही नहीं करवाया तो अधिकारियों को नोटिस दे देंगे और इनको 15 दिन नोटिस दे के हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे यहाँ। यही हमारा अधिकारियों से निवेदन, या तो इनको ठीक करवाया जाए और इनके चैम्बर में जाए घुस जाएंगे, इनको अंदर नहीं घुसने देंगे। कर्मचारी नेता अशोक भोबिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं और दूसरी तरफ दफ्तरों में गंदगी का आलम है, आखिर यह कैसा दोहरापन है। वे कहते हैं कि अगर अफसरों ने शीघ्र ही इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उन्हें मजबूरन इसके लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। जबकि प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधान मोदी जी उनका एक नारा है स्वच्छ भारत, उस स्वच्छता का बुरी तरह से यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है और उस स्वच्छता अभियान का बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से पुनः अधिकारियों से आग्रह करना चाहूँगा भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और अतिशीघ्र इसका निर्माण कराएं ताकि कर्मचारियों को परेशानी से निजात मिल सके। ढिठाई की भी हद होती है। हनुमानगढ़ टाउन के एक परिवार पर कुछ लोगों ने पहले तो हमला कर दिया और कुछ सदस्यों को चोटिल किया, और जब पीड़ित ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो आरोपित मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, लिहाजा पीड़ितों ने एसपी गौरव यादव से मुलाकात की। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे पहले तो वारदात को अंजाम देते हैं और फिर
पीड़ितों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने से परहेज नहीं करते। हनुमानगढ़ टाउन के एक मामले में ऐसा ही हो रहा है। कायम खानी मोहल्ला निवासी लियाकत और अजहरुद्दीन ने परिजनों के साथ एसपी गौरव यादव से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उनका दर्द था कि मोहल्ले के कुछ लड़कों ने पहले तो उनकी पिटाई की और जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो वे अब उन्हें धमका रहे हैं कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो उन्हें जान से मार देंगे। सारा लड़के 20 लड़के मस्जिद के आगे बैठते थे तो हमने इनको मना किया भी यहाँ पे आके मत बैठा करो, यहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ और सब जाती आती हैं। तो इन्होंने वो चीज़ की रंजिश बना के और दो दिन बाद में मेरे पे हमला कर दिया इन्होंने। वहाँ पे इन्होंने चाकू तलवार पिस्तौल गोलियाँ चलाई और मेरे सर पे चोट मारी और ये मेरा भाई दोस्त है अजहरुद्दीन, इसके भी पेट में तलवार मारी और आज 1.5 महीना हो गया कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन सी मस्जिद की घटना है ये? कैम खानी मोहल्ले की जुमा मस्जिद वार्ड नंबर 20। पुलिस टाउन पुलिस से मिले थे आप? हाँ रोज जाते हैं जी उनके पास, वो कहते हैं आज करते हैं कल करते हैं आज करते हैं कल करते हैं। आज यहाँ पे एसपी साहब को एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं कि हमारे FIR नंबर 295/15 है हमारा, हम यहाँ पे एप्लीकेशन देने आए हैं एसपी साहब को कि हमारी कार्रवाई हमारे तरफ से कार्रवाई करवाई जाए। और अब परसों भी हमारे को धमकी दे के गए हैं कि आप ना केस वापस ले लो, हमारे से राजीनामा कर लो नहीं तो आपको जान से मार देंगे। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, रोजाना हम उनके पास जाते हैं और पुलिस वाले वो तो कहते हैं पुलिस को हमने खरीद लिया है, तुम्हारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी नहीं तो राजीनामा कर लो। और उनके कोई पार्षद भी उनके साथ मिला हुआ है और कुछ मोहल्ले वाले उनके साथ मिले हुए हैं, उनको शह मिल रही है जी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही प्लीज। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। पहले की भांति व्यावसायिक उपयोग हो सकेगा। हाई कोर्ट ने पिछले फैसले को स्थगन आदेश देकर ट्रैक्टर ट्राली चालकों को राहत दी है। इस फैसले की प्रति आज प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई। ट्रैक्टर ट्राली यूनियन के प्रतिनिधियों ने बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत और माकपा नेता रघुवीर वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें हाई कोर्ट के उस फैसले की प्रति उपलब्ध करवाई जिसमें कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉली के व्यावसायिक उपयोग को सुचारू रखने संबंधी आदेश दिए हैं। माकपा के जिला सचिव रघुवीर वर्मा के मुताबिक इसकी प्रति अधिकारियों को सौंपी गई है। हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करके जो पूर्व के आदेश था कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है कॉमर्शियल उपयोग में नहीं आएगी, वाणिज्य के उपयोग में नहीं आएगी, उस पर स्थगन देते हुए ये कहा है कि ये पूर्व की तरह ही ये ट्रैक्टर ट्रालियां चलेगी। इस संबंध में आज DSO को भी ज्ञापन वो आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अब हम ट्रैक्टर ट्राली को नहीं रोकेंगे। यूं तो पूरा शहर निराश्रित पशुओं की समस्या से परेशान रहता है लेकिन वार्ड नंबर 42 के पार्षद हाकम सिंह की व्यथा अलग ही है। उन्होंने वार्ड में बैठे निराश्रित पशुओं की तस्वीर उतारी और कलेक्टर से मिलने पहुंच गए। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और साथ ही सौंपी पशुओं की खास तस्वीरें। हनुमानगढ़ में निराश्रित पशुओं की समस्या गंभीर है। सड़कों पर बैठे पशुओं को देखकर लगता नहीं
कि शहर में नगर परिषद की ओर से इन पशुओं के लिए कोई पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वार्ड नंबर 42 की स्थिति बदतर होने पर पार्षद हाकम सिंह परेशान हो उठे। उन्होंने गलियों में बैठे पशुओं की तस्वीर बनाई और ज्ञापन लेकर कलेक्टर रामनिवास से मिलने पहुंचे। हाकम सिंह ने कहा कि वार्ड में निराश्रित पशुओं की गंभीर समस्या है। वे झुंड बनाकर घूमते हैं, बैठे रहते हैं, सड़कों पर गोबर आदि से गंदगी फैलती है, बारिश के दौरान कीचड़ से बदबू आती है जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ परिवार दूध निकालकर पशुओं को विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं, इससे समस्या विकराल होती जा रही है। पार्षद के मुताबिक ऐसे पशुपालकों को पाबंद करने की जरूरत है। इसमें आवारा पशुओं को लेकर के आज हम कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब ने आश्वासन ये दिया है कि मैं इसको नगर परिषद भिजवा के और आयुक्त साहब को सूचना करवा देंगे। वार्ड नंबर 42 में लोग अपने पशुओं दूध निकाल के गलियों में छोड़ देते हैं और कुछ आवारा पशु है जो गलियों में बैठे, बहुत बुरा हाल है, जो सारी गलियां जाम हो चुकी है। इससे बच्चों को और राहगीरों को बड़ी परेशानी होती है, ना बच्चे पूरा खेल सकते हैं गलियों में, क्यों गाय आपस में लड़ती है, किसी का नुकसान हो सकता है, पहले भी नुकसान हो चुका है, कई बार कोई वाहन नहीं जा सकता वहाँ से, गलियों का बहुत बुरा हाल है। और ये पशुओं वाले क्या करते हैं कि जैसे गोबर वगैरह है वो सारा सड़कों के ऊपर ढेर मार देते हैं, जिससे बीमारियां फैल रही है, बच्चे बीमार पड़े हैं। और नगर परिषद को कई बार अवगत करवाया लेकिन नगर परिषद की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए आज कलेक्टर साहब से मिले हम कि हमारे वार्ड में मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जो चला रखा है वो इस पर भी गौर की जाए, क्यों मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो सफाई के लिए रोज़ जागरूक कर रहे हैं लेकिन प्रशासन इस पर गौर नहीं कर रहा है। और आखिर में सैन समाज समिति जंक्शन की बैठक में कई फैसले हुए। बताया गया कि जंक्शन स्थित सैन धर्मशाला में श्री सैन महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री सैन समाज समिति की बैठक मंगलवार को धर्मशाला में हुई, इसमें कई निर्णय लिए गए। ओम प्रकाश जाखड़ के मुताबिक समाज की धर्मशाला में हॉल निर्माण करवाने, श्री सैन महाराज की प्रतिमा स्थापित करने और समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनवाने आदि पर भी चर्चा हुई। सैन समाज की मीटिंग रखी हुई है जिसके अंदर विभिन्न मुद्दों पे हम चर्चा, जो कि हॉल निर्माण के लिए, बच्चों को यहाँ शिक्षा दिलाने के लिए और छात्रावास बनाने के लिए, और एक हमारे यहाँ जो सैन जी महाराज के लिए पूजा स्थल बनाया है उसके लिए मूर्ति स्थापना के लिए टाइम निर्धारित कर रहे हैं, और अन्य कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि उन पे हम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।